जी सो अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आज वॉर्क में हमारे चार जवानों का एक साल हुआ है। इस्लाम में चार जायज हैं, इसीलिए चारों को आज इकट्ठे किया है कि ये चार या एक साल से कोवर्किंग स्पेस में पहले दिन से मौजूद है। तो इट्स ग्रेट कि आज हम सारे जो एक साथ इकट्ठे हुए हैं, इनको इनक्रेज करने के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा लोगों ने हेल्प भी ली और इन्होंने लोगों की भी हेल्प की और अपनी भी हेल्प होती थी साथ साथ। तो आज ये अपना पहला दिन याद रखें, आई एम श्योर कि ये क्या थे और आज कहाँ आ गए। मकसद सिर्फ ये आज हमारा भी यहाँ पे आने का ये है कि ये इनक्रेज करना कि ये कोई करेज नहीं है। ये साल बाद इस स्टेज पर आए, कुछ लोग शायद समझते हो एक महीने, दो महीने, तीन महीने की गेम है। इट डजंट टेक दिस मच टाइम, इट टेक्स मोर टाइम टू गेट इन टू दिस टाइप ऑफ लेवल जहाँ पे आज ये चार जो कि एक बड़ा अच्छा अपना सेटअप खुद बना चुके हैं और बहुत सारे लोगों को मैनेज भी कर रहे हैं। तो इट्स ग्रेट फॉर एवरीवन एंड वी एक्सपेक्ट कि ये जैसे जियो हज़ारों साल हरिद्वार के रहो हज़ारों साल और देखिए हम कह सकते हैं आपको और आप सबको और होप टू सी योर फ्यूचर गेटिंग ब्राइट मोर एंड मोर। ठीक है, और कोई कुछ कहना चाहता है वो कह देते। कैसी सबसे बड़ी मुश्किल क्या क्या आई है? और उसमें कोई वाली बात है कि इसको अचीव करने के लिए जो मेन पॉइंट होता था जिस कंसिस्टेंसी की बात वो कंसिस्टेंट है, और यही दूसरों के लिए लेसन भी है कि जब भी कोई आप जर्नी स्टार्ट करते हैं यू हैव टू स्टिक विद इट। और यही आपने किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कहते हैं ना कि फर्स्ट आना कोई अचीवमेंट नहीं होती, फर्स्ट को मेनटेन करना अचीवमेंट होती है। तो आप उससे आप रिकमेंड कि आप लोग जो हैं वो कंटिन्यू इसको करें और विद द सेम पैशन और दूसरे लोगों को भी मोटिवेट करें, और वही हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, विजन है ये सबसे ज़्यादा खुशी मुझे शायद किसी और को करें खुशी हो कि आप लोगों को आज से साल पहले आप सब ने स्टार्ट किया और आज इस स्टेज पे हैं कि ना सिर्फ खुद को सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी लोगों की हेल्प करते हैं, विच इज़ अमेजिंग। मतलब ये वाला जज्बा लेके आना कि किसी की हेल्प करना बेलॉस हो के आसान नहीं है, इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको अपने आप को मेहनत करनी पड़ती है कि आप अपना टाइम किसी और को दे रहे हैं। सो वो वाला जो एक जज्बा है आपको कोई उसके लिए पे तो नहीं करता कि आप लोग उस पर किसी को टाइम दे रहे हैं, किसी की हेल्प करा रहे हैं। सो दिस इज़ हाउ इट शुड बी। मेन मकसद वर्क का भी यही है, रेयर कोलैबोरेशन है ना, तो ये कोलैबोरेशन है कि जो आज आप लोगों की कामयाबी है और बहुत ज़्यादा इसमें खुशी है। अल्लाह ताला इसी तरह से रहे। और जैसे साकिब भाई ने भी कहा कि आप हजारों साल बाद के साथ अच्छा अब आपको अली आप बताए पहले और बड़ा शोर बचिएगा। हाँ रोना नहीं कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा इस पूरे साल में जर्नी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा था। और सबको ये एडवाइस है कि आप टीम वर्क काम किया करें, अगर इंडिविजुअली काम करेंगे तो बहुत मुश्किल होता है। तो राइट में फर्स्ट जब मैं यहाँ पे घुसनी है तो मेरा टीम मिल रहा है, तो मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था सर साकिब से लेके सर फोरम और राइट में बात रही, तीनों ने कोलैबोरेट किया हमने। सर जो भी जर्नी होता था, जो भी क्वेश्चन होते थे सर से पूछते रहते थे और टीम वर्क किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम चार हैं। और अगर रेवेन्यू की बात मैं तो नहीं कर रहा, एफ डी आर बन जाते हैं। अच्छा यहाँ पर एक चीज़ है कि सारे बोर्ड में एक मंथ लगा के ये चीज़ कहते हैं कि हम क्विक स्कीम कह लें कि अमेरिका से आने शुरू हो जाएंगे, तो इस चीज़ के ऊपर आप स्टेबल ना रहें। एटलीस्ट अपने आपको यहाँ पर सिक्स मंथ आप यहाँ पर स्पेंड करें। सिक्स मंथ स्पेंड करने के बाद भी ये चीज़ नहीं है कि आप जैको ये कहें कि मैं 5 लाख कमा रहा हूँ, 10 लाख कमा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल सीन नहीं है। हम भी यहाँ पर एटलीस्ट तीन साल लगा के और एक मंथ एक साल यहाँ बोर्ड पे लगा के देन अब इस चीज़ पे आए हैं कि हम एटलीस्ट हम कह रहे हैं कि 6 फिगर के अंदर हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। लेकिन यह है कि कंसिस्टेंसी रखें और टीम वर्क करें, क्योंकि स्टार्ट में अगर मैं बताऊँ टीम में भी ज़्यादातर लोग नहीं आते अच्छे। स्टार्ट में हम 45 तक भी गए हैं, 45 मेम्बर्स जो एक्स गवर्नमेंट 5 HR ऑफिस वहाँ पर एक टाइम ऐसा आया था कि वहाँ पर 80% लोग मेरी अपनी टीम में थे, लेकिन उनमें से भी काफ़ी ज़्यादा छोटे, क्योंकि जिसको जिस तरह सिखाया जाए
वो सीधा सीधा अपना काम शुरू कर लेता, जो कि बुरी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ है, क्योंकि स्टार्ट में टीम तो हमारा ही मेम्बर था ना, हमसे ही अलग होकर अपनी उसने टीम बनाई है, ठीक है। तो मेन चीज़ अपनी है टीम वर्क है और और जैसे कि सर साकिब ने फर्स्ट जब हम वर्क में सर साकिब ने कहा था कि एटलीस्ट आप 3 मंथ या 6 मंथ यहाँ पे स्पेंड करें, फिर आपको पता लगेगा कि आप 6 मंथ बाद कहाँ पे खड़े हैं, लेकिन कंसिस्टेंट रहे, जो भी वर्किंग करें कोई भी करें, आपके पास ऑलरेडी क्लाइंट्स हैं तो अपने जो जो जूनियर्स हैं उनके साथ आप कोलैबोरेशन करें और उनको भी अपने टास्क डिवाइड करें अगर आपके पास ज़्यादा क्लाइंट्स हैं। इसी तरह पाक कहेंगे मैंने मिलकर टीम बनाई और इसी तरह अली भाई रहमान हम सब एक साथ जुड़े और दूसरों के अंदर जो अपने टास्क डिवाइड करना शुरू किया अलहमदिल्ला सर वो भी सक्सेसफुल है और हम भी, ठीक है। तो इसलिए कि टीम वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे होता है जो बिल्कुल न्यू आते हैं कि इररिलेवेंट फील्ड से होते हैं, मतलब मेरी मेडिकल फील्ड थी और सेकंड ईयर तक मुझे नहीं आइडिया था कि ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, मैं कंप्यूटर सिर्फ फिल्में देखने के लिए तो लेकिन उसके बाद मैंने सर कुरम की सक्सेस स्टोरी देखी तो एक्सप्लोर करना शुरू किया, ग्रुप ज्वाइन किया और मुझे नहीं पता चला 3 महीनों में मैंने अपने 18-18 घंटे भी देख के कैसे इतनी जल्दी सारा कुछ अचीव करके मैंने वर्क ज्वाइन कर लिया। और वर्क ज्वाइन करने से पहले भी मेरी कोई अर्निंग नहीं थी, हालांकि नॉलेज फुल था, लेकिन उसके बाद यहाँ पे नेटवर्किंग की है फात भाई से, हालांकि हम क्लासमेट थे लेकिन क्लास में हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, जस्ट क्लास लेनी है वापस आ जाना है, फिर इधर वॉक में बैठ के नेटवर्किंग की है, एक दूसरे के साथ कोलेबरेट किया और फर्स्ट मंथ ही हमारी मेरी जो अर्निंग पर्सनली स्टार्ट हो गई थी। ये तो पहले से भी कमा रहे थे लेकिन मैं बिल्कुल 0 था, तो क्योंकि मैं इस फील्ड से था ही नहीं। तो ऐसा नहीं है, आप लोग भी अचीव कर सकते हैं, अच्छे टीम मेंबर का और टीम मेंबर के होने में बड़ा फ़र्क है, सो अच्छे टीम मेंबर चूज़ करें, थोड़ा सा जैसे साकिब कहते हैं कि थोड़ा सा टाइम स्पेंड करें, ट्रैवल करें, खाना खाएं, हम तो सोते के हिसाब से सोते के हालांकि हमारे सबके फ्लैट्स अलग थे क्योंकि हम आउट ऑफ सिटी से हैं सारे, तो लेकिन ये है कि फिर रात के टाइम एक साथ एक ही रूम में बैठ के काम करते करते बहुत जल्द जो है इस लेवल तक पहुंचेंगे और इसमें कंसिस्टेंसी का ध्यान रखें, कोई इशू हो तो लेट अस नो, यू नो वेयर टू गेट इन टच विद अस। थैंक यू जी। एक क्वेश्चन जी, क्वार्टर 4 में अमेज़न की कट ऑफ डेट